नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइना वर्सेस यूएस के बीच चल रहे विवाद की। अभी पूरी दुनिया की निगाहें एशिया की ओर लगी हुई है। अमेरिका स्पीकर नैन्सी पेलोसी की हालिया ताइवान यात्रा के बाद एशिया में युद्ध छिड़ने का खतरा मंडरा रहा है। पेलोसी की यात्रा संपन्न होते ही चीन ने ताइवान के चारों ओर अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास की शुरुआत की है। इसे सीधे तौर पर ताइवान और अमेरिका को चुनौती देना समझा जा रहा है। वहीं ताइवान ने चीन के इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि वह युद्ध की स्थिति के लिए अभी पूरी तरह से तैयार है। अगर वास्तव में ताइवान खाड़ी में युद्ध छिड़ता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कोरोना महामारी के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले से ही प्रभावित थी। अभी कोरोना महामारी के चलते उत्पन्न व्यवधान दूर हो ही रहे थे कि पूर्वी यूरोप में जंग की शुरुआत हो गई। फरवरी महीने में यूक्रेन के ऊपर रूस के हमला करते ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष नई चुनौतियां उत्पन्न हो गई। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा। खासकर अनाजों के वैश्विक बाजार में हालात बेकाबू हो गए। कई देशों में खाने पीने की चीजों की भी कमी हो गई। इसके साथ ही कच्चे तेल के भाव आसमान पर पहुंच गए, जिसका खामियाजा विकासशील देशों को भुगतना पड़ा। अब अगर चीन और ताइवान के बीच युद्ध की शुरुआत होती है तो ग्लोबल इकोनॉमी को सप्लाई चेन के बिखरने की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, जबकि कई अहम इंडस्ट्रीज की रीड माने जाने वाले सेमीकंडक्टर के लिए ताइवान हब है। चीन के सरकारी टेलीविजन की एक रिपोर्ट के अनुसार अभी चीन की सेना ताइवान के इर्द गिर्द समुद्र में युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास के तहत पानी और हवा में गोलीबारी भी शामिल है। ताइवान के बेहद करीब 6 लोकेशंस पर एक साथ हो रहा है। युद्धाभ्यास रविवार तक चलने वाला है। इस युद्धाभ्यास के कारण एक तरह से ताइवान के समुद्री रास्ते चारों तरफ से बंद हो गए हैं। उत्तर पूर्वी और दक्षिण में तो युद्धाभ्यास के लोकेशन ताइवान से 12 नॉटिकल मील के दायरे में है। ताइवान चीन की इस हरकत को इंटरनेशनल ऑर्डर का उल्लंघन बता रहा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार ताइवान ने मिलिट्री के सीक्रेट लोकेशंस पर चीन के ड्रोन के उड़ान भरने का दावा किया है। चीन की बात करें तो उसकी अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट पर बेस्ड है। चीन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को ही करता है। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के आंकड़ों के अनुसार इस साल जून में चीन ने अमेरिका को 55.97 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। चीन के एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर हांगकांग है। इसी तरह जापान तीसरे, वियतनाम चौथे, भारत पांचवें, जर्मनी छठे, नीदरलैंड सातवें, मलेशिया आठवें, ताइवान नौवें और थाईलैंड दसवें स्थान पर है। अगर युद्ध की स्थिति आती है तो टॉप 10 में से ज्यादातर देशों को चीन का निर्यात ठप करना पड़ेगा। कोरोना महामारी की ज्यादातर देशों में चीन का निर्यात ठप हो जाएगा। कोरोना महामारी की मार से अब तक नहीं उबर पाई चीन की अर्थव्यवस्था के लिए यह बेहद त्रास साबित होगा। वहीं ताइवान का व्यापार बाधित होने से दुनिया भर की टेक, स्मार्टफोन व ऑटो कंपनियों को प्रोडक्शन रोकना पड़ सकता है। गाइस, आपका चाइना वर्सेस यूएस ताइवान के बीच चल रहे इस विवाद आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर दें। गाइस, अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें।